स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के समायोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल साथियों, हाल ही के अंदर शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी यानी कि संदीप सिंह जी से मिला है, जहां पर उस मुलाकात के बाद उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा, सारी जानकारियां विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख पा रहे होंगे, जो कि आपके ही संगठन के द्वारा किया गया है, जहां पर आप देख लें कि मित्रों सादर प्रणाम, मित्रों अवगत कराना है कि पूर्व में निर्धारित समय अनुसार आज दिनांक 26/1/2023 आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर इन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप ग्रुप में देख लें, जहां पर इसके बाद संदीप सिंह जी से आगामी 20 फरवरी को रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में होने वाले शिक्षा मित्रों के विशाल सम्मेलन आयोजन के कार्यक्रम के संबंध में शिष्टाचार भेंट की। मित्रों शिक्षा मित्रों के विशाल महासम्मेलन में बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय माननीय संदीप सिंह जी उपस्थित रहेंगे, तो आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जहां पर इसके बाद एक सूचना दी गई है कि मित्रों प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र साथी से हमारी अपील एवं आह्वान है कि प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र साथी अपने परिवार के सदस्यों सहित 20 फरवरी 2023 में आयोजित शिक्षा मित्रों के इस विशाल महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर महासम्मेलन को इस आयोजन को सफल बनाए। जहां पर साथियों इनके द्वारा भी यानी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी इस प्रकार से बातें कही गई हैं। इस फरवरी को होने वाले महासम्मेलन में शिक्षा मित्र एकत्रित होंगे, जहां पर साथियों इसके बाद 29 जनवरी को भी शिक्षा मित्रों का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम न कहकर माननीय कौशल किशोर जी यानी कि केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा शिक्षा मित्रों के दो महामंत्रियों यानी कि दो संगठनों के महामंत्रियों को बुलाया गया है, जहां पर कहा गया है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल ये जो कार्य है ये काफी ज्यादा जोर शोर से सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, तो आप सभी यहां पर पूर्ण सहयोग करें। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।